हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल। वेलकम टू माय चैनल डीमेस्टर ऑटोमोबाइल। आज हमारा जो जॉब था जेसीबी 3DX मशीन का, जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर, उसको कैसे चेंज करना है, आप लोग सीखने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहना। कैसे ब्रेक मास्टर सिलेंडर चेंज करना है। दोस्तों, ब्रेक मास्टर सिलेंडर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो साइलेंसर बॉक्स, उसको खोल के बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है, तो हम लोग और सिलेंडर खोल नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ब्रेक मास्टर सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर में जो बैंजो बोल्ट लगा हुआ है ब्रेक रिजर्वर से आया, तो उसको खोलने के लिए आप लोगों का 16-17 वाला रिंग स्पनर यूज़ करना है। और वहाँ पे जो ब्रेक लाइन जब जा रहा है डिफेंस में, तो उसको खोलने के लिए 12mm का डी स्पनर या ओपन स्पनर, और ऊपर में इंटरकनेक्ट दो होस्ट लगा है एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर में, तो उसको खोलने के लिए आप लोगों का 10mm वाला डी स्पनर या ओपन स्पनर यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, देख रहे ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर के साइड में जितना पाइप लगा हुआ था सब हम लोग खोल दिया। अभी इसका जो माउंटिंग बोल्ट देखा जा रहा है आप लोगों को, 13mm वाला एक एक सिलेंडर में दो दो माउंटिंग बोल्ट, तो इसको खोलना है। और केबिन के अंदर साइड से इसको पकड़ना है, बाहर साइड से इसको खोलना है, नहीं तो बाहर से ट्रेन से पकड़ लीजिए और अंदर साइड से इसको खोलना पड़ेगा। दोस्तों, देख रहा है अंदर साइड में जो ब्रेक पैडल, पैडल के नीचे में आप लोगों का दिखाई देगा जो मास्टर सिलेंडर का जो पुश रॉड, तो उसके पास में उसका बोल्ट दिखाई देगा, नट। तो यहाँ से आप लोग को खोलना पड़ेगा, आप लोग को बाहर से पकड़ना पड़ेगा, अंदर से खोलना होगा, नहीं तो अंदर से पकड़ना पड़ेगा और दूसरा बाहर से उसको खोल सकते हो, 13mm वाला बोल्ट नट इसमें। दोस्तों, देख रहे हम लोग ऑलरेडी पुराना वाला मास्टर सिलेंडर खोल कर निकाल दिया, अभी नया वाला जो मास्टर सिलेंडर, उसको जो लीवर का जो योक, तो उसको हम लोग अभी फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसको मेजरमेंट भी सही होना चाहिए, नहीं तो ब्रेक जो पैडल है उसमें एडजस्ट नहीं होगा, तो इसको बाहर से एडजस्ट कर लेना, फिर जाके इसको जहाँ पे माउंटेड था वही माउंटेड करना है। दोस्तों, देख रहे मास्टर सिलेंडर जहाँ पे माउंटिंग था वहीं पे हम लोग अभी लगा रहे हैं, तो उसको लगाने के लिए दो आदमी चाहिए, एक बाहर से उसको मास्टर सिलेंडर अंदर घुसाना और केबिन के अंदर से एक आदमी उसको खींचकर उसको जो बोल्ट अंदर से नट टाइट करना है और बाहर से उसको बोल्ट फंसाना है। तो इसको कम यही काम करने के लिए आप लोग को दो बंदा चाहिए, जो एक बाहर साइड से उसको फिटिंग करेंगे।
दोस्तों देख रहे हैं अभी हम लोग नया जो सिलेंडर लगाया है, फिटिंग किया, उसमें जो इंटर कनेक्ट जो मेटल पाइप था, तो हम लोग पहले उसको फिटिंग करेंगे एकदम ऊपर साइड में, टॉप में था, तो उसका फिटिंग करने के लिए 10 mm वाला डीएस पन्नर चाहिए। तो हम लोग डीएस पन्नर से उसको बराबर टाइट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को जो ब्रेक में जा रहा है डिफरेंशियल में, तो उसका होस इसका बाद सेकेंड पोजिशन में उसका लगाना है। उसमें लगेगा आप लोग का 12 mm वाला डीएस स्पिनर या ओपन स्पिनर। फिर लास्ट में जो नीचे में रहेगा वो जो ब्रेक मास्टर रिजर्वर, ब्रेक रिजर्वर जिसमें ऑयल हम लोग डालते हैं, टॉप अप करते हैं, उस उसका होस जो होस वो एक फिटिंग करना है। दोस्तों देख रहे हैं हम लोग फाइनली मास्टर सिलेंडर वाला सब जितना होस था सारे होस लगा दिया। अभी रिजर्वर में ऑयल टॉप अप करना है। अब हम यहाँ पे जो रिजर्वर है इसमें हाइड्रोलिक ऑयल से टॉप अप कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो ब्रेक ऑयल से भी इसको टॉप अप कर सकते हो। जैसे भी 3DX मशीन में हम लोग ज़्यादा हाइड्रोलिक ऑयल से इसको ब्रेक में यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग थोड़ा सा उसका जो होस था उसको लूज रखा, क्योंकि वहाँ से जितना एयर है, एयर ब्लीडिंग करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा लूज छोड़ दिया था। तो अभी हम लोग एयर निकलने के बाद हम लोग फाइनल टाइट कर रहे हैं। दोस्तों हमारा जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर का जितना होस था फाइनल हमें टाइट कर दिया। अभी ब्रेक लाइन से एयर निकलना है। एयर निकलने के लिए हम लोग मशीन का नीचे जा रहे हैं। अभी नीचे जो डिफरेंशियल का ऊपर में जो दो पॉइंट दिया हुआ है एयर ब्लीडिंग पॉइंट, उसको आप लोग जिस जैसा 13 mm वाला ग्रीस निपल देखा ऐसा ही ऊपर में लगा हुआ है डिफरेंशियल के ऊपर में। दोस्तों ब्रेक मास्टर सिलेंडर से जो होश आया है तो इसको डिफरेंशियल के ऊपर में जो ब्रेक लाइन में यहाँ पे टाइट करना है बराबर, तो इसको टाइट करने के लिए 17 mm वाला डीएस पन्नर चाहिए आप लोग का। और 17 mm वाला डीएस पन्नर से इसको सही से टाइट कर देना। और इसको पास में दिखाई देगा आप लोग का एयर ब्लीडिंग निपिल, तो वहाँ से ब्रेक का एयर ब्लीडिंग कर देना। एयर ब्लीडिंग करने से ब्रेक मस्त पकड़ लेगा। अगर डिफरेंस ब्रेक लाइन में एयर रह जाएगा तो ब्रेक ठीक से नहीं पकड़ेगा। दोस्तों फाइनली हम लोग यार ब्लीडिंग कर दिया। ब्रेक लाइन में जितने यार था हम लोग निकल दिया। यार निकलने से ब्रेक मस्त पकड़ लेता है। यार लाइन में अगर यार रह जाएगा तो ब्रेक थोड़ा कमजोर हो जाएगा, पकड़ने में देरी हो सके। और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल डिमेस्टर ऑटोमोबाइल।